अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त आप मुआयना कर रहे हैं शाहीन यूट्यूब चैनल और आज हम मौजूद हैं इंडस वैली यूनिवर्सिटी क्लिफ्टन में। आज यहाँ पे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रेजुएशन थी और उनकी थीसिस की यहाँ पे आज एग्जीबिशन है, तो वो हम अंदर जाएंगे, लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे आप किस चीज़ से इंस्पायर हो गए, आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए और आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स के बारे में दिखाएँगे। चलिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है आज, एक डिस्टिंक्शन होल्डर का टेक्सटाइल डिज़ाइनर है ये, हम आप इनका इंटरव्यू दिखाते हैं और इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। एंड दिस इज़ माय थीसिस डिस्प्ले एंड आई एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, बट माय वर्क रिवॉल्व्स अराउंड द फाइव सेंसेस एंड हाउ दे रिएक्ट इन नेचर एंड बेसिकली दीज आर माय लेआउट। इसमें मैंने साड़ीज बनाई हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ 10 डिज़ाइंस, ईच वन ऑफ देम विद अ डिफरेंट वाइब, अ डिफरेंट टेक्निक, बट आई फोकस्ड ऑन अ लार्जर कैनवस एंड दिस इज़ बेसिकली माय फाइनल थ्री पीसेस। जी, ये जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से मुझे अभी दो जो हैं यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल साड़ी दिख रही हैं, आप मुझे बताइएगा आर दीज फॉर सेल? यस दीज आर फॉर सेल, दिस वन इज़ 48,900, दिस वन इज़ 45,000 एंड दिस वन इज़ 30-35 की रेंज में, बिकॉज दिस वन हैज़ अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंटेशन, सो नेचुरली दिस इज़ हाउ इट कम्स इन द रेंज, बट आई एम ऑल्सो टेकिंग ऑर्डर्स सो आई कैन ऑलवेज लाइक अकोमोडेट योर नीड्स फॉर वट like it can also go on a dupatta or a scarf and the custom fabric and all of that. Acha ji, inhone bataya abhi ki ye custom work bhi jo hai wo cater kar rahi. अच्छा जी, इस वक्त हम एक और हॉल में एंटर हुए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी जो है वाइब्रेंट प्रोजेक्ट्स लोगों के लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, हम उनसे उनका इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? अम्मार। अम्मार, आप बताइएगा कि आप कौन सी यहाँ पर डिग्री जो है परस्यू कर रहे हैं और क्या आपका प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइएगा? मेरी जो है यहाँ पर डिग्री है वो है टेक्सटाइल डिज़ाइन की और मेरा जो है थीसिस का प्रोजेक्ट है, मैंने इसके अंदर जो है डेनिम की जो वेस्टेज होती है फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज़ उसको यूटिलाइज़ करते हुए उसी फैब्रिक से जो है एक नया फैब्रिक क्रिएट किया। इसका मतलब कि आप जो है काफ़ी सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये एथिकल काम है, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सो ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है और इसको मैंने वेस्टेज को यूज़ करते हुए एक ये रिवर्सिबल फैब्रिक बनाया है जिसके फ्रंट पे डेनिम है और बैक पे एक अलग कपड़ा है। अच्छा, ये मतलब दोनों तरफ इसको यूज़ किया जा सकता है जब आफ्टर स्टिचिंग जो है, या भी क्योंकि अनस्टिच कंडीशन के अंदर जो स्टिच होने के बाद जो है ये साइड से यूजेबल है। सही सही, आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी कहना चाहेंगे लोग? नहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू अम्मार। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, इनका नाम खदीजा है और इनका प्रोजेक्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल टी शर्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया गया है कलरफुल, और ये बेहतर खुद ही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है एंड मेरा थीसिस बेसिकली कराची सिटी पे है। कराची सिटी की जो खूबसूरत बिल्डिंग्स होती हैं, एम्प्रेस मार्केट, बंस रोड और कराची पोर्ट ट्रस्ट, KMC बिल्डिंग, उस तरह की बिल्डिंग्स को मैंने उठाया है और इस तरह की बिल्डिंग्स के साथ मैंने हमारी जो डेली सराउंडिंग्स की जो चीज़ें होती हैं ना उसको इनकॉर्पोरेट किया है, दैट इट्स गिविंग अ वेरी कराची वाइब। अच्छा, मुझे लग रहा है ऐसे कि शायद आप इसको ऑनलाइन सेल वगैरह भी करती हैं, तो ऐसा कुछ है आपका पेज वगैरह या इस तरह की कोई चीज़? बिल्कुल, मेरा पेज है एंड आई विल ऑल्सो गिव यू माई कार्ड ऑन दैट।
तो इसका किस तरह होता है, आप इसके ऊपर शर्ट जो है वो लोग जो है ऑर्डर करते हैं और आप सेल करती हैं? ये शर्ट भी या फिर लाइक इन अ बल्क ऑर्डर अगर किसी को ऑर्डर करना होता है तो वो भी? अच्छा, कोई अगर कस्टम बनवाना चाहे अपनी शर्ट या अपना उस पर डिज़ाइन तो वो भी आप उसको अकोमोडेट करती हैं? आई कैन अकोमोडेट बट इस वक्त मैं अपने थीसिस को ज़्यादा प्रमोट। ठीक है, थैंक यू खदीजा, हम आपका पीआर के लिए बिजनेस कार्ड जो शेयर कर देंगे और बहुत शुक्रिया आपने इंटरव्यू दिया। अच्छा, इस वक्त हम एक और बहुत ही अनोखे किस्म के प्रोजेक्ट के पास आए हुए हैं और इनके जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शफ़क अरशद। अच्छा शफ़क अरशद, आप बताइएगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में और किस चीज़ को आप जो है आपने इसमें जो है विजुलाइज़ किया? अच्छा, मैंने कपड़े की ख़राबी को देखा है कि अगर हमारा कोई कपड़ा ख़राब हो जाता है, जल जाता है, ब्लीच लग जाती है, सारी घरेलू चीज़ें हैं जो हम लोग की आम है कपड़े के ख़राब होने की, तो मैंने उसकी ख़राबी को उसकी अच्छाई में देखा है और उसको बेसिकली हाईलाइट किया अपने काम के अंदर कि हमारा कपड़ा जल जाता है तो हम उसको क्यों नहीं वापस पहन सकते, ब्लीच लग जाती है हम क्यों उसको फेंक देते हैं, वापस क्यों नहीं अपने एज अ डिज़ाइन एलिमेंट क्यों नहीं ला सकते। तो मैंने उसको हाईलाइट किया अपने गोल्डन धागे के काम से। अब देखें पूरा उसके ऊपर सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ, अगर जला हुआ है तो उसके एजेस हाईलाइट किए हैं, उस लास्ट वाले के अंदर कपड़े की वीव ख़राब हुई है तो कपड़े की वीव के साथ ही मैंने गोल्डन धागे के साथ काम किया। सो बेसिकली गोल्डन धागे का कॉन्सेप्ट आता है मेरे इस जापनीज इनकी एक टेक्निक है किंसुगी, उसमें होता है किंसुगी KINTSUGI किंसुगी। सो वो टेक्निक ये है कि अगर आपका प्याला टूट जाता है तो वो वापस उस प्याले को जोड़ते हैं एंड उसके क्रैक्स जो है वो गोल्डन से हाईलाइट करते हैं। तो दे फाइंड ब्यूटी एंड इम्परफेक्शन, क्योंकि वो कि प्याला बाज लोग कहते हैं कि फेंक ख़राब हो गया तो फेंक दो, लेकिन वो वापस उसको यूटिलाइज़ करके उसके क्रैक्स को हाईलाइट करके एज अ पीस रखते हैं, डेकोरेशन पीस रखता है। तो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप ये जैपनीज कल्चर को थोड़ा सा आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है ऐड किया? जी, क्योंकि मेरी टेक्निक जैपनीज थी तो मैंने सोचा दैट वॉज द बेस्ट रेलिवेंट सोर्स कि मेरी जो सिल्वेट्स हैं वो भी जापनीज से डिराइव। सही। अच्छा, हम आपका पीआर के लिए कार्ड वगैरह भी अपने चैनल पे व्यू कर देंगे। ये आप फॉर सेल भी हैं आपके ड्रेस? जी फॉर सेल भी है। अच्छा, अराउंड किस ब्रैकेट के अंदर आते हैं ये जितने भी जो हाथ का काम है उसकी सारी इसकी लेयरिंग्स के हिसाब से अगर तीनों लेयर्स के साथ देखें तो ये वाला मिडल है 20,000, ये वाला 15,000, ये वाला 15,000, तो इस तरह की मेरी प्राइस रेंज के साथ सारे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट हमें दिखे हैं, उसका टैग लाइन है वन फॉर ऑल, तो हम उनके ऑनर से बात करेंगे और उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम गीतांजलि है। अच्छा जी, थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कीजिएगा हमें कि क्या प्रोजेक्ट है और कहाँ से इंस्पायरेशन मिली है प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, सो मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग पे है। मैंने एक इंक्लूसिव प्रोजेक्ट बनाया है जो मेल फीमेल और बाकी सब जेंडर्स के लिए है और मैंने अपनी इंस्पिरेशन दी है पीट मोंड्रियान पेंटिंग्स के, तो मैंने उसके कलर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं विच इज़ प्राइमरी कलर्स रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट, और मैंने डिफरेंट ग्रिड्स के लाइन वेड्स यूज़ किए हैं और मैंने उस पूरी पेंटिंग को रोटेट करके भी देखा है एंड मैंने अपने फाइनल में उसको कंपोज किया। सही। बेसिकली यूनिसेक्स अगर कहा जाए तो ये बहुत जेंडर्स के लिए यूनिसेक्स इज डिफरेंट, यूनिसेक्स इज ओनली फॉर मेल एंड फीमेल and this is for male, female and all genders. Okay. Basically it's a spectrum from 0 to 1 and everything that comes in between. Are these projects for sale? Are you selling it out? Yeah, I am. अच्छा, ये किस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं और कैन यू एक्सप्लेन किस प्राइस ब्रैकेट में आपकी शूज आते हैं? ओके, सो द डांगी इज लिटिल बिट 9,000 एंड बाकी सब पूरा ओवरऑल अगर आप लेंगे तो इट्स 1 is 8,000, बोथ आर ऑलमोस्ट 8,000-8,500 तक आपके प्रोजेक्ट से। अच्छा, आपको कोई पेज वगैरह हो तो वो हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे अपनी वीडियो के अंदर, आप हमें अपना कार्ड दे दीजिएगा। थैंक यू।
इस वक्त हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं. उनके ऑनर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस प्रोजेक्ट में किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम जी? मेरा नाम बिलाल जब्बार है. अच्छा बिलाल, आप कौन सी जगह पर डिग्री परस्यू कर रहे हैं? सो बेसिकली द डिग्री इज़ BFA बैचलर्स इन फाइन आर्ट. वो 4 साल की होती है, इंडस्ट्रियल स्कूल ऑफ आर्ट. सही. अच्छा, आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए और हम देख रहे हैं कि फिज़िक्स से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हुए प्रोजेक्ट्स हैं आपके. थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि आपने कब बनाया और कितना टाइम लगा इनको. सो बेसिकली ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 1 साल का होता है. इसको थीसिस ये कहते हैं. लाइक आपको थीसिस आपको पूरा 1 साल के प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है. और जो फिज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट है मेरे काम में, लाइक फॉर्म्स और फिज़िक्स के साथ मूवमेंट्स हैं उनके अंदर. तो बेसिकली हम बचपन में जिस तरह टॉयज से खेलते थे, तो मैं भी उनकी मोटर्स, उनके फंक्शंस को लेके बहुत फैसिनेट होता था. तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि हम जो ऑर्डिनरी चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं, हम अगर उनमें बहुत अनयूजुअल मूवमेंट डाल दें, साउंड डाल दें, तो उनको एक न्यू आइडेंटिटी किस तरह मिलती है. तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा उसके ऊपर बेस करता है. सो आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जहाँ कोई चीज़ें मूव करिए, कोई साउंड प्रोड्यूस करिए, चीज़ों के फंक्शंस को मॉफ किया है. सही. अच्छा, ये आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, काफ़ी एक्सक्लूसिव है और स्पेशल प्रोजेक्ट लग रहा है आपके बाकियों से. इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा और इसके प्राइस भी बताइएगा. इज़ इट फॉर सेल? या सो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट की एक ऑर्डिनरी आइडेंटिटी होती है, एज एन आर्टिस्ट मैं उसको ब्रेक करना चाहता था. तो यहाँ मैंने उसके फंक्शन को, मतलब उसको एक न्यू फंक्शन दिया है, जो ऑर्डिनरी फंक्शन जो हम उसको घर में यूज़ करते हैं उससे हट के. दिस इज़ ऑन सेल एंड दिस इज़ I think it's for 40K and this is sold. Thank you. ऐसा तो उस प्रोजेक्ट के ऑनर मौजूद हैं, उनसे हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? आफिया. अच्छा आफिया, आप थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कौन सी डिग्री यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं. सो आई एम अ फाइन आर्ट स्टूडेंट. आई एम अ स्कल्पचर मेजर. And my work is entirely about exploring these branches that have been removed from their spaces due to the growing urban projects. And as a response to that, I've been going all over DHA to collect these branches and basically try to bring these branches back into this architectural space and create an alternative reality where there is these new identities are taking over our spaces for a change. So basically you are recycling all the branches that are left over, that are on the ground, and making something new out of them. Yeah, basically more than recycling, I feel like I want to give them a new purpose. I didn't want them to look like completely trashed material. I felt like these have life in them and I wanted to explore possibilities in giving them that new life. So you're basically giving them a new world and a new life. So if you have any Instagram or a YouTube channel or any social, you can tell us about that and we will share it in our video. Thank you, Afia. Thank you.